तेरा क्या फायदा यार इतने जिम का। खुशबू जी के मतलब सब्सक्राइबर सारे दरवाजे के बाहर आके खड़े हो गए थे। कैसा लगा तुझे? प्रोजेक्ट बना रही थी सुबह से, सारी रात ना लाइट बंद रही, तो मुझे बता रहे कि बुज्जी बाहर देखो मौसम लड़कियां तुझे छेड़ती हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मेरे साथ ये भी है, ये भी है, ये है समर। जिनको नहीं पता समर कौन है, समर है बिक्की भैया का बेटा। बिक्की भैया मेरे मामू के बेटे। इतना सा और भी हो गया। तो ये ध्यान मानने को किसने बोला? आकर के क्यों पी रहा है? हो गया। आकर के नहीं पिया जाता तो आकर के पीने को किसने बोला? पिया जाते हुए तो थोड़ा आगे मैं ऐसे कैसे पी रहा हूँ, ऐसे हो गए बॉटल। सुबह सुबह पानी नहीं पीता पिया कर। गैस जाती मेरे को। गैस नहीं होती, वो पेट साफ हो जाता है पिया कर सुबह पानी। एक बार पिया उल्टिया तो आई पूरे दिन। तो फिर जस्ट मैं नहा कर आई हूँ एंड अब मुझे भूख लग रही है बड़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन यार बाल के लिए हो गए या जिस दिन सर नहीं ना धोना तो उस दिन का नहाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे को आदत है शॉवर से नहाने की और फिर मेरे बाल गीले हो जाते हैं आधे अधूरे, जूड़ा भी कर लूँ फिर भी हो जाते हैं। तो अभी ना मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है और अब मुझे भूख लग रही है। उठ तो मैं गई थी यार टाइम से, लेकिन फिर मैं ना एडिटिंग करने लगी और अब मैं नहाई और अब मैं खाऊंगी कुछ एप्पल खा रही हूँ। नींबू और चाट मसाला डाला है। अच्छा है ही फ्रूट चाट, बनाना भी है। लेकिन मुझे फ्रूट चाट में ना बनाना अच्छा नहीं लगता, ऐसे बड़ा हो जाता है जाते ही हड़बड़ी में हूँ। सो गाइस अभी ना मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा सा सामान लेने, भैया बाहर वेट कर रहे हैं। सनस्क्रीन लगा रही हूँ यार। अभी ना मैं समर का प्रोजेक्ट बनाना है, उसका थोड़ा सा सामान लेने जा रही हूँ एंड भैया ने बिल्कुल लास्ट टाइम पे बताया कि बाहर आ जाओ, अभी बाहर खड़ा होकर वेट कर रहे हैं और अब मैं ऐसे कैसे जा रही हूँ। लेकिन सनस्क्रीन स्किप कर सकती थी इसलिए ये लगा ली। ऐसे ही थोड़ा बड़ा नहीं होता ग्रीन प्लेन जो होता है ना, मोटा चाहिए सिर्फ छोटा छोटा, वो सिंपल वाला ही चाहिए। और थर्माकोल है मिल जाएगा। और गाइस अभी ना ये मैं फोर्थ शॉप पे आई हूँ और अभी जाके ये कलरफुल चार्ट मिले हैं और थर्माकोल भी बोल रहे थे बैन है लेकिन यहाँ पे है। सो गाइस मेरा डिनर हो गया एंड अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये प्रोजेक्ट बनाना। अभी ये समर भी थोड़ी देर में आता ही होगा, रात को ही यार ठीक है, मतलब नींद सेक्रीफाइस कर सकती हूँ मैं, लेकिन दिन में जो टाइम वेस्ट होएगा वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, इसलिए अभी रात को ही बनाऊंगी। एक तो यार फैमिली ट्री बनाना है वो तो आसान है, वो तो बन जाएगा, दूसरा वाला थोड़ा मुश्किल है। उसमें है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, उसका देख रही हूँ कैसे क्या करना है। पहले तो मैं फैमिली ट्री बनाऊंगी, अभी है वैसे दो तीन दिन, आज मैं फैमिली ट्री बनाऊंगी फिर कल, मैं कर क्या रही हूँ इधर कुछ हो रहा है यार, फिर कल मैं बनाऊंगी रिवर सिस्टम वाला ठीक है। खाली कर रही हूँ लड्डू वाला, लड्डू मेरा पहले लड्डू का बनेगा फिर तेरा बनेगा। मेरे वाले सामान लाना अभी, सामान तो पूरा है, एक चीज रहेगी चाट भी है बेटा। चल सो जा। ये सो नाम ये अच्छा है ना ऐसा वाला, पर वहां पर फिंगरप्रिंट भी लगाने हैं। बोला है? हाँ। किसने बोला? मैम ने सा उस मैम ने लिखा हुआ साइड में फोटो विद फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स ऑफ योर फैमिली। फिंगरप्रिंट्स या फोटोज?
फिंगरप्रिंट। फोटोज नहीं लगानी? फोटोज, हाँ फोटोज भी लगानी है। फोटोज और फिंगरप्रिंट्स दोनों के दोनों लगाने हैं? हाँ। उधर क्या निकल रहा है? नोटबुक ले, पढ़ ले तब तक। बैठ। सॉल्व कर, पेंसिल से करना। तो बस गाइस अब मैं भी सोने जा रही हूँ एंड अब ये ब्लॉग मैं कल कंटिन्यू करूँगी, अभी मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है, कल मिलती हूँ, बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस अभी मैं उठ गई हूँ एंड रात को ना बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं पड़ी क्योंकि सारी रात ना लाइट बंद रही और कुछ देर बाद ना इन्वर्टर भी डेड हो गया था, तो एक फ़ैन चल रहा था फिर वो भी नहीं चला और एसी तो सारी रात चला ही नहीं। अभी सुबह जाके लाइट आई है, 6 बजे के करीब लाइट आई है और फिर मैं सोई और अभी बाहर इतना तेज़ तूफान चलने लग गया। वैसे मुझे आवाज़ें तो आ रही थी लेकिन मुझे पता नहीं था तूफान चल रहा है और समय यहाँ से उठ के भाग गया छत पे और फिर आके मुझे बता रहे कि बुज्जी बाहर देखो मौसम, और बाहर मौसम ऐसा लग रहा है कि अभी रात के 4-5 मतलब सुबह सुबह के 4-5 हो रहे हैं, बिल्कुल इतनी कम लाइट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम भी, लेकिन रात को बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं पड़ी और मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है तो मैं आज भी ऑफिस नहीं जाऊंगी। आपको बाहर का ना मौसम दिखाती हूँ, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है तो मैं बिल्कुल छत पे नहीं जाऊंगी, यहीं से दिखाती हूँ। सो गाइस जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ, प्रोजेक्ट बना रही थी सुबह से एंड रूम की हालत देखो यार, बन गए हैं दोनों के दोनों लेकिन बड़ा ज़्यादा मैसी हो गया रूम। ये बेड की हालत है और ये देखो, इस पे ना मैंने पहले मैप की शेप में चार्ट को काटा और वो इस पे चिपकाया, उसके बाद ये जो रिवर्स दिख रही है ना आपको, ये मैंने क्ले से चिपकाई हैं। पहले क्ले चिपक नहीं रही थी, फिर मैंने पहले फेविकोल लगाया फिर उसके ऊपर क्ले चिपकाई। इस पे मेहनत ज़्यादा थी, मुश्किल तो क्या था, मेहनत ज़्यादा थी। और ये फैमिली ट्री, बस अब मैं आपसे ना ये सब समेट के बाद में मिलती हूँ। मैंने आपको बताया था ना सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा है, तो अभी हमने सोचा कि मौसम अच्छा है तो बाहर कहीं घूम के आते हैं, तो अभी हम ना थोड़ी सी ड्राइव पे जा रहे हैं और साथ में कुछ शाम को स्नैक्स भी खा लेंगे आते हैं। पीछे खोल, पीछे बैठ, जल्दी से बंद कर दे। तो फिर आते हुए कुछ स्नैक्स भी खा लेंगे एंड जा कौन कौन रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। समर, समर शक्ल देखा आपने, समर भैया कन्नू मैं और ईशु, हम सब जा रहे हैं। समर क्या करने जा रहे हैं हम? मैं प्रिंट करवा दिया। अच्छा हाँ, ये बताना भी मैं भूल गई, कुछ इसका होमवर्क ही है, वही प्रिंट करवाना है, वो भी मेन काम वो भी है। हाँ मैं बता दूँ, सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, मतलब मैं तो लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रही हूँ, वैसे प्रिंट तो सिर्फ भैया भी जाके करवा सकता था, हम सब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, घूम लेंगे और कुछ खा पी लेंगे। बस अभी धीरे धीरे आ रहे हैं सब, कन्नू भी आ गया, ईशू भी बाहर खड़े हैं, तो बस अभी आगे क्या होगा वो आप आगे खुद देख लेना। बाय बाय। सारे बाहर से लुक पास करते हैं। तो सारी बच्चा पार्टी आ गई है, अपनी अपनी शक्ल दिखाओ जो भी है, दोनों भी इधर कर समर, सबसे पहले अपनी दिखा। चुप जाओ वापिस अपने दिल में। सो गाइस हमने ऑर्डर किया है पनीर मोमो, मसाला चाप एंड स्प्रिंग रोल, समर चटनी के लिए पीछे ले ले, पूरा पूरा ही पीछे ले ले। तो मैं स्टार्ट करती हूँ खाना, सबसे पहले पनीर मोमो। उन्होंने ऊपर से ना ओरिगानो डाले हैं,
मोमोज के ऊपर मुझे और ही देना पसंद है। एवरेज एवरेज मतलब इतने अच्छे नहीं है, दे दोनों हाथ से पकड़। पिछले बार वाले से तो अच्छे हैं। अब मसाला चाम्प। अच्छी है। समय स्प्रिंग रोल दे स्प्रिंग रोल रुक जा मैं कौन थैंक यू समर। एक मिनट वीडियो में बता अभी क्या हुआ था। खुशबू जी के एक बार में मतलब सब्सक्राइबर सारे दरवाजे के बाहर आके खड़े हो गए थे। कैसा लगा तुझे? क्या कैसा लगा तुझे देख के? अच्छा लगा। क्या करने आए थे सारे दरवाजे के बाहर? पता नहीं। लोग अच्छे वो भी अच्छा है यार, लेकिन ऊपर से ओरिगैनो डाला ना इसलिए मुझे पसंद नहीं आया ज्यादा। अच्छे नहीं अच्छे इतने अच्छे नहीं है। समय सच बोलते हैं इतने अच्छे नहीं है। अच्छे हैं बट इतने अच्छे नहीं। ये हाथ के इसमें पता नहीं क्या डाला हुआ। और मतलब पिज़्ज़ा भी डालते हैं ना। ओ जा कुत्ती बिल्ली तेरे जेह लाख पोंग दे। हाँ भाई अता मजे सटकी बता क्या हुआ अभी समझ ले मेरे को बता रहा है बता। एक लड़का मेरे को मुंह दिखा रहा है गंदा गंदा मुंह कैसे दिखाया दिखा वो मैं नहीं। अच्छा चल मेरे को बना के बता मैं वीडियो में नहीं ले रही नहीं ले रही अब। एक लड़का मेरे को मुंह दिखा रहा है कैसे गंदा मुंह नहीं हुआ ये इसको प्यार करके गया ना ऐसे वाला नहीं हां ऐसे ही कर दो मुझे तो ऐसे मतलब क्यूट वाला फेस होता ऐसे ऐसे अगर तो उसने अभी बच्चों को देख अगर उसने ऐसे किया ना टूटा नहीं खुला सुन सुन ये अगर उसने ऐसे किया ना कुछ देखे चलेगा ना बता दे मतलब वो क्यूट है क्यूट वाला प्रभु रुस के कहां जा रहा है यूट्यूब में सुन भाई 50 का बोलिया तूने बोला ये तेरे लिए है गाना लेडीज पे भी जचेगा ये कितना गंदा गाना है वहां नहीं मैं क्या मैं कोई लड़कियां छेड़ती हूं लड़कियां तुझे छेड़ती हैं भाई ऑन कैमरा नहीं बोलते ऐसे बस कहाँ जा रहे हैं रोशनी रोशनी से चल रहा नहीं मुझे अंधेरा पसंद है अंधेरा का हम अंधेरा का बात कर तू बिठियो समर है जूले लेगा लेने आया बात कर लेगा तू छोटा है खुद ले लूंगा अब कैसे अब नहीं डर लग रहा डर क्यों लगेगा अब क्यों कर रहा है पक गए शरीर में लो डंडे मार मार के कितना जो लगाना पड़ रहा है अब तू तेरा क्या होगा कालिया समर मैं तू भी इधर आके अबे कर क्या रहे हो इको होते ना मैं तो रहा ओह नहीं बस ओए उतर ना नहीं ओला बस हो गई उसकी क्या फायदा यार इतने इतने जिम का अबे जितना मर्जी किलो का बंदा हो 1 बजे बजाय मोड़ बस अभी कुछ उठ के बाहर पड़ना है रोड पे बस फिनिश भैया 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 विनर है कौन है भैया पागल है क्या 100% में वन गो अपोल 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 आप भी भैया ही है पागल है यार तू सच में भैया रिकॉर्ड है भाई वीडियो स्टार्ट है
अच्छा तूने बताया था वीडियो में नहीं सामान मार देंगे साहब मैं कन चाचू को लड़कियां देख के हंस रही थी क्यों हंस रही थी पानी भाई दादा देख रही थी अरे सामान दे दी मैंने सो बस गाइस आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ. आई होप आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो. अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू.